डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड जॉन्टेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जॉन्टेट के बारे में पढ़ा कि जॉन्टेट का प्रिंसिपल क्या है, उसको बनाते कैसे हैं और वो काम कैसे करती है। तो लास्ट में कंक्लूजन में हमारे ये निकल के आया कि जॉन प्लेट एक तरह से कन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करती है, लेकिन अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। सो हेयर वी आर राइट अबाउट कन्वेक्स लेंस, टू दिस साइड वी राइट अबाउट जॉन प्लेट। अगर फर्स्ट पॉइंट पे हम जाएं तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज गिवन बाय, ये हम ओल्डर क्लासेस में पुरानी क्लासेस में पढ़ के आते हैं या प्लस वन प्लस टू लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं, दैट फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, वेयर दिस पैरामीटर हैज द यूजुअल मीनिंग। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होता है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होता है, और r1 और r2 हमारे दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ का रिलेशन म्यू और r1 r2 पे डिपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे। अब दूसरी तरफ देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ द जॉन प्लेट, ये कल हमने जो फार्मूला निकाला था, कल फार्मूला क्या निकाला था, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन fn, ये था। तो ये fn की जगह हमारा क्या आया था, 1 अपॉन f की जगह क्या आया था, n लैम्डा अपॉन rn स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन f is equal to n lambda upon rn square. इसका मतलब focal length किन चीजों पे depend कर रही है यहाँ पे, n पे, कि कौन से order की हम बात कर रहे हैं, कौन से nth zone की हम बात कर रहे हैं, और क्या है, wavelength of source of light पे depend कर रही है, और radius of the zone plate, यानी कि zone plate element zone सामने consider किया है, उसकी radius क्या है, उन चीजों पे depend कर रही है। तो ये mathematically जो difference है, हमारी कन्वेक्स लेंस की इक्वेशन ये होती है और जॉन प्लेट की फोकल लेंथ की इक्वेशन ये रहेगी। हाँ, तो इसके सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये तो सेकंड पॉइंट है वेयर फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ अगर वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखें तो वेवलेंथ के साथ इसका जो रिलेशन निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निकलता है, क्योंकि हमें पता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर वेलोसिटी की बात करें, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होती है। तो इस रिलेशन से अगर हम निकालें तो न्यू का जो रिलेशन है लैम्डा के साथ वो इनवर्सली का है, और यहां पे इनवर्सली है तो एफ विल बी डायरेक्टली आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इन केस ऑफ लेंस दिस फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हेंस ग्रेटर फोकल लेंथ विल बी ग्रेटर फॉर रेड रेज देन द वायलेट। क्यों आया, वायलेट को देखें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, लास्ट में जाके हमारा रेड आएगा। इसका मतलब वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, स्मॉलर किसकी होती है, वायलेट की। तो लार्जर वेवलेंथ जब रेड कलर की है तो फोकल लेंथ भी रेड कलर के हिसाब से इसकी ज्यादा होगी, इसलिए फोकल लेंथ विल बी ग्रेटर फॉर रेड रेज देन फॉर द वायलेट। और यही पॉइंट हम जॉन प्लेट में देखते हैं, तो जॉन प्लेट में ये क्या होता है, इस रिलेशन से दिखाई दे रहा है दैट रिलेशन बिटवीन दिस फोकल लेंथ एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देयर, सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये जो चीज यहां पे थी, ग्रेटर थी रेड के लिए, इसको रिवर्स हो जाएगी, hence it will be greater for the third point are image formation due to convex lens is obtained by the phenomena of refraction, yani jab convex lens ko leke hum chalte hain to phenomena kaun sa hota hai, refraction ka hota hai। similarly jab zone plate ko hum lete hain to image formation kiske sath hoti hai, hamari diffraction phenomena ke sath hoti hai। iska matlab jo basic difference hai wo phenomena based hai, yahan lens ke case mein to refraction hota hai aur yahan pe zone plate ke case mein yahi phenomena kaun sa hota hai, diffraction hota hai। अगर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फॉर फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फिक्स रखें तो लेंस के केस में इट प्रोड्यूस ओनली वन इमेज, तो एक ही इमेज मिलती है, यानी कि फोकल लेंथ एक ही मिलती है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा लेंस है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, मान लो इसको ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो जो इमेज मिलेगी वो हमें सिंगल मिलेगी, सारी रेज कहां पे आके फोकस होंगी, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे होंगी। तो ये जो डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस अगर हम फिक्स रखें
if this distance, object distance will be fixed, then we got only one image. Where in case of zone plate, ऐसा नहीं होता है, we got multiple focal length or multiple foci. So in case of zone plate, we got multiple foci. जैसे हमने पीछे बताया था कि मान लो हमारा ये जॉन प्लेट है और जॉन प्लेट के जो डिफरेंट डिवीजन है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना था, b था. यहाँ से जो रे आएगी उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, b प्लस लैम्डा बाई टू होगा. यहाँ से इससे आगे की जो रे आएगी b प्लस टू लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन, यानी कि पार्ट डिफरेंस इनका चेंज होता जाएगा. ठीक है, फिर इसमें क्या था, जब हमने बताया था अगर इसको हम चेंज करते हैं, b डिस्टेंस को चेंज करते हैं, क्योंकि b डिस्टेंस एक तरह से हमें फोकल लेंथ दिखाई देती है, तो जब b डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो b by 2, b by 4, b by 6 पे हमें कोई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं मिलता है. इसका मतलब ये जो इवन नंबर से डिविजिबल क्वांटिटी है ये एग्जिस्ट नहीं करती है. एग्जिस्ट कौन सी करती है, जो b by 3 या b by 5 या b by 7 एंड सो ऑन. सो वी गॉट द इंटेंसिटी ऑन दिस पार्टिकुलर पॉइंट p. तो फोकल लेंथ अगर हम इस फार्मूला से देखते हैं, f will be equal to f inside आ जाएगा, rn square upon l lambda हो जाएगा. तो फर्स्ट फोकल लेंथ आएगी rn square upon l lambda, सेकंड जो फोकल लेंथ आएगी divide by 3, नेक्स्ट आएगी divide by 5, then divide by 7 and so on. It means, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें मल्टीपल फोकल लेंथ मिल रही है इन केस ऑफ जॉन प्लेट, जो कि लेंस के केस में हमारे पास एक ही फोकल लेंथ होती है. लेंस के केस में एक ही फोकल लेंथ होती है, जॉन प्लेट के केस में मल्टीपल फोकल लेंथ होती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन लेंस ऑल रिफ्लेक्टेड रेज ट्रैवल सेम ऑप्टिकल पाथ अप टू द फोकल पॉइंट. तो जितनी भी रेज आती हैं फोकल पॉइंट पे आके जब वो मिलती हैं, दे आर ट्रैवलिंग द सेम ऑप्टिकल पाथ. लेकिन जॉन प्लेट में ऐसा नहीं होता है, इनका जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो अनइक्वल होता है या डिफरेंट होता है. कैसे, ये रे जो आएगी वो बी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, नेक्स्ट रे जो आएगी बी प्लस लैम्डा बाय 2 करेगी, नेक्स्ट जो आएगी वो बी प्लस 2 लैम्डा बाय 2 करेगी एंड सो ऑन. इट मींस these ray when reach at this point P, they will travel unequal path. So, this John plate diffracted ray travel unequal path. So, these were the basic difference between convex lens and John.